हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम बेल्ट ब्लाउज बनाना 40 इंच ब्रेस्ट का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज है, ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे अपने बेल्ट की, और अपने सबसे पहले बैक पार्ट कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट कट करने के लिए आपका जो भी ब्लाउज का लेंथ है उसमें 1 इंच मार्जिन लेके यहाँ से आप निशान लगा लीजिए बैक पार्ट के लिए। जैसे हमारे ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो है हमारी यहाँ से 16 इंच, तो हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और 17 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे, ऐसे। ये सीधा हमने कर दिया है। अब यहाँ से हम अपना जो शोल्डर है वो लेंगे यहाँ से 6.5 इंच पे। ब्लाउज डीप गला है इसका, तो कम पे ही लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल की जो लेंथ है वो लेंगे हम 6.5 इंच पे। और यहाँ से हम जैसे ब्रेस्ट साइज है यहाँ पे 40, तो 40 का चौथा हिस्सा आता है 10 इंच, और 10 में हम लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ से 12 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और जैसे यहाँ से कमर साइज है 36, 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, और 9 इंच में हम 2 इंच मार्जिन लेके 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाएंगे। अब यहाँ से बैक के लिए हम इस तरीके से 2.5 इंच पे ऐसे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और इसकी अभी कटिंग करेंगे। गला इसका हम जो कटिंग करेंगे वो हम पहले ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से अलग कर दें, उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। अब गले के लिए निशान लगा लेते हैं। ऊपर से हम लेंगे यहाँ से 3 इंच, और जो हमारे इसकी लेंथ होगी यहाँ से हमारा 1/2 इंच दबेगा, इसको छोड़ के हम लंबाई लेंगे अपनी 12.5 इंच पे। उनको डीप गला चाहिए। यहाँ से लेंगे हम 3.5 से 4 इंच तक आप ले सकते हैं। अब यहां से हम इसको इससे मिलाएंगे ऐसे, अब यहां से हम गोलाई दे देंगे इसमें बिल्कुल राउंड, ऐसे बिल्कुल राउंड गोलाई देंगे ब्लाउज के लिए। अब बस इस पे हम कटिंग कर देंगे। इसमें प्लेट्स के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ से प्लेट्स की जो हम लेंथ रखेंगे वो हम यहाँ से जैसे हम लगाएंगे, ये चीज़ छोड़ के 16 इंच आ रहा है हमारा, तो हम 13 इंच पे ले लेंगे क्योंकि प्लेट, और यहाँ से हम 4.5 इंच की लेंथ ले लेंगे प्लेट की। इस तरीके से हमारी दोनों साइड को प्लेट आ जाएंगी। खुलने के बाद ये हमारा गला कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे 1/2 इंच शोल्डर के लिए छोड़ के। जैसे हमारी तैयार लेंथ है इसमें जैसे 16 इंच पे, ठीक है, और 16 इंच हमारी तैयार लंबाई है, और इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा, मतलब जैसे 16 है तैयार, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा यानी 18 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे नीचे वो भी आएंगे कप, जो हम नीचे बेल्ट लगाएंगे वो भी आएगी। तो यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 3 से 3.5 इंच के हमारे पार्ट बेल्ट आ जाएगी यहाँ पे, और उसमें हमारा मार्जिन भी एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पे सेम अपना शोल्डर लेंगे, 6.5 इंच पे ही अपने आर्म होल, और यहाँ से सेम 12 इंच पे। पहले हम यहां से पूरा एक निशान लगा लेंगे 18 इंच पे इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से हम जो भी जितना हमने उसमें लिया था उससे हम 1 इंच ज्यादा लेंगे। जैसे उसमें 11 लिया था तो इसमें हम 12 ही ले लेंगे, क्योंकि इसमें प्लेट थोड़ी बड़ी डलती है फ्रंट की। और यहां से हम
डेढ़ इंच पे गोलाई दे देंगे फ्रंट के लिए। अब इसमें हम अपनी जो बेल्ट है उसके लिए निशान लगाएंगे। जैसे हम यहाँ से निशान लगाएंगे, जैसे तैयार है हमारी 3 इंच, तो हमारा कपड़ा इसमें दबेगा भी, उसका भी हमने इसी में ले लिया है। टोटल हमने 18 इंच लिया है, 16 का तैयार, 2 इंच हमारा मार्जिन है। अगर हम इस 1 इंच को हटा देते हैं, मतलब जैसे देखो, तो हमारा ये 3.5 का ही रह जाएगा, मतलब 3.5 का ही। तो हम यहाँ से एक ऐसे निशान बना लेंगे। पहले मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रही हूँ। पहले आप एक ऐसे सीधा निशान बना लीजिए। अब यहाँ से आप 3.5 इंच पे निशान लगाइए और इस निशान को आप इस तरीके से मिला दीजिए, ऐसे। ये हो गई हमारे बेल्ट की शेप, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी बेल्ट इस तरीके से। ये गोलाई आप देंगे तो इससे बहुत अच्छी शेप आती है। अब उसके बाद हम यहाँ से अपने गले की चौड़ाई लेंगे, जैसे सेम 3 इंच लेंगे ऊपर से, और जो ब्लाउज की यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से लेंगे हम 8 इंच पे। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच पे और इस तरीके से मिलाएंगे। ब्लाउज की लंबाई आप आगे से जितनी भी रखना चाहती हैं उस हिसाब से रख के आप इसमें गोलाई दे सकती हैं। अब बस इसकी कटिंग कर देंगे हम। सबसे पहले जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको कट कर लेंगे। अब इन्हीं पार्ट को रख के हम अपने अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे, बेल्ट को भी कट कर देंगे। गले की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब इसमें हम प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। इसमें जो प्लेट डलती है वो सिर्फ 2 इंच की डलती है, ये ध्यान रखें आप। तो मैं 2 इंच पे इस तरीके से यहां से लगाएंगे, सेंटर से, यहां से। तो ये लगाएंगे हम यहां से 2 इंच पे। ये प्लेट थोड़ी सी हमारी बड़ी डलेगी, और उसके बाद हम यहाँ से जो दूसरी प्लेट लेंगे वो हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से 2 इंच पे, ऐसे। एक और जो प्लेट है हमारी जो ऊपर आएगी वो यहाँ से आएगी हमारी लगभग 2.5 इंच पे। यहाँ से जो हमारी प्लेट आएगी वो आप ऐसे भी, मतलब अंदाजे से भी ये निशान ऐसे लगा सकती हैं। ये थोड़ी सी तिरछी आएगी इस तरीके से, ऐसे हमारी सारी प्लेट्स आएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं करना है। अब जो हमारे पार्ट हैं उनको रख के हम बस कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ध्यान रखना है हमें कि बॉर्डर है वो कटना नहीं चाहिए, बॉर्डर हमारा आना चाहिए। बस ऐसे रख के और इसमें पिन लगा के, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है, ऐसे ही अस्तर के साथ सबको मैंने कट करके और पिन अप कर लिया है। ये देखिए, जितने भी मेरे पार्ट थे सभी को मैंने अस्तर मेन फैब्रिक के साथ रख के और पिन अप कर लिया है। ये देखिए, आपको भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। बस जो हमने अभी अस्तर कट किया है उसी को रख के और ऐसे यहाँ पे सारे को पिन कर देना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे का बॉटम सिल लेंगे। तो इसको हम अपने मेन फैब्रिक को तो सीधा रखेंगे और अस्तर को उल्टा करके रख के और किनारी के ऊपर, मतलब ऐसे 1/2 इंच दबाते हुए बॉर्डर दिखाई दे सिलाई लगा के, अब इसको रॉन्ग साइड को पलट के एक सिलाई और इसके ऊपर से लगा लेंगे। और फिर इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अस्तर और हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अच्छे से जम जाए, वो इधर उधर को ना खिसके जब हम इसको सिलाई करें। तो ये देखिए,
ये नीचे का बॉटम हो गया है रेडी। अभी चारों तरफ से सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो मैंने चारों तरफ से सिलाइयाँ इसमें लगा दी हैं, दो प्लेट्स भी डाल दी हैं मैंने जो पीछे के टक्स थे। अब ये है हमारे फ्रंट पार्ट। जब भी आप फ्रंट पार्ट को सिलें अपने आगे से और पीछे से पूरे बॉटम को अच्छे से रख लें, और जो सामने वाले पल्ले हैं इनको भी सिल के चारों तरफ से सिलाइयाँ लगा लिए हमने। अब ये टक्स डालेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो पहला टक्स है वो डलता है आधा इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और फिर बाकी के टक्स हैं वो हमारे डलते हैं आधा आधा इंच के। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, बस चारों को हम डाल लेंगे। सेम हमें दूसरे पार्ट के डालने हैं और फिर उसके बाद हम नीचे अपनी, तो ये देखिए ये हमारे डल चुके हैं सारे टक्स। अभी हम क्या करेंगे, इसमें नीचे को अपना बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को भी आपको उल्टा रख लेना है, और यहाँ से ध्यान रखें जो बड़ा वाला हिस्सा है वो रखना है जहाँ पे हमारे हुक आएंगे, जो छोटा वाला हिस्सा है जहाँ से हमारी फिटिंग होगी। तो इस चीज़ से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो बस एक सिलाई और लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जुड़ गई है। अब आप देख लीजिए, तो दोनों पार्ट्स को ध्यान रखें, ये जो लाइनें हैं वो आपस में मिलनी चाहिए, वरना फिर जो छोटी बड़ी हो जाती हैं तो वहाँ से बेकार लगता है ब्लाउज। बस शोल्डर जोड़ के अब इसमें हमने ये तिरछी पट्टी लेके और ये पाइपिंग कट कर ली है। सबसे पहले हम आई हुक की पट्टियाँ लगाएंगे। तो उल्टे हाथ पे हमारे आई की पट्टी आती है और सीधे हाथ पे हमारे हुक वाली पट्टी आती है। तो पहले हम क्या करेंगे, उल्टी साइड को रखेंगे पट्टी को। मैंने अस्तर और ये पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। अब इसको बस ऐसे राइट साइड को पलट के, ताकि जो भी धागे वगैरह हैं वो सब अंदर आ जाए, ऐसे पकड़ के और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने ये आई की पट्टी रेडी कर ली है। अब हुक की पट्टी को एक सिलाई लगा के अंदर की साइड मोड़ देते हैं। अब हमने ये पट्टी कट कर ली है, इसको हमने लगभग आधे इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। बाकी हमें इस पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी। ज़्यादा चौड़ी पट्टी रखते हैं तो फिर जब हम तुरपाई करते हैं तो वो पट्टी हमारी अच्छे से सेट नहीं होती। तो जितनी पतली होती है उतनी ही अच्छी गले की फिनिशिंग आती है। अब बस हम इसको ऐसे आधा आधा इंच दबाते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से पूरे कपड़े को दबाते हुए सिलाई को लगा देंगे। अब ये हमने तुरपाई कर ली है इसके ऊपर। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला बन के रेडी हुआ है। जितनी पतली आप पट्टी लेंगे, बस ध्यान रखिए निकलना नहीं चाहिए आपका कपड़ा, उतना ही फिनिशिंग के साथ आपका गला बैठता है। एक्स्ट्रा को कट करके अब बस हमने सिंपल स्लीव्स कट कर ली हैं इसके, जैसे नॉर्मली स्लीव्स होती हैं, हल्का सा बॉर्डर था। अब बस स्लीव्स को ऐसे रख लेंगे और सिलाइयाँ लगा देंगे पूरे में यहाँ से, और पूरे में हमें खींचना नहीं है, ना ही बाजू को ना ही अब स्लीव्स को और आर्म होल को। बिल्कुल आराम से आपको, जैसे नॉर्मल अपनी कुर्ती वगैरह में आप लगाते हो बाजू, वो एकदम फिट आएगी। अगर कटिंग वगैरह आपकी अच्छे से हुई है तो कभी भी बाजू ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। देखिए एकदम बराबर आई है ये। अब बस इसकी नॉर्मली जो भी फिटिंग होती है वो फिटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे पहले हम नीचे पट्टी लगा लेंगे। तो पट्टी को ऐसे रखेंगे और रॉन्ग साइड को पलट देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड को पट्टियाँ लगा दी हैं, तुरपाई कर लेंगे बाद में, बस सब इसकी फिटिंग दे देंगे। जो भी आपकी फिटिंग है, मार्जिन भी मैंने इसमें लगभग 1.5 इंच का रखा है, बस दोनों को बराबर मिला के और यहाँ से हम कंप्लीट कर देंगे। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही। तो हमारा ब्लाउज बन के रेडी है। मैंने इस पर तुरपाई भी कर ली है। ये इसका फ्रंट है, मैंने इसमें डोरी भी लगा दी है। डोरी का वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और मैं और भी आपको ब्लाउज़ बताऊंगी। बहुत सारी कमेंट आती हैं कि ब्लाउज़ भी बताइए दीदी, तो मैंने इसलिए आज ब्लाउज़ बताया है। ये बैक पार्ट बड़ा है इसका। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए।